प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए छात्रों, आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.3 हल किया था। आज हम इस नई वीडियो में अभ्यास 2.4 समीकरण हैं, प्रश्न से संबंधित समस्याएं हैं, तो उनको आप किस प्रकार से हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। हल देखिए कैसे करते हैं। हल माना वह संख्या बराबर x, इसमें से पांच बटे दो घटाने पर इसमें से यानी x में से 5/2 घटाने पर तो x माइनस 5/2, परिणाम को 8 से गुणा, यानी कि परिणाम को 8 से गुणा, तो परिणाम को इसका परिणाम x माइनस 5/2 का जो परिणाम आएगा उसको हमें 8 से गुणा करना है। तो 8 ये गुणा कर दिया, ब्रैकेट x माइनस 5/2 ये कर दिया, परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। अब जो परिणाम है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना, वह सोची गई संख्या का तिगुना तिगुना। तो प्रश्नानुसार ये बिल्कुल सीधा है, मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है। अब प्रश्न सर क्या कहता है, संख्या x माइनस 5/2 परिणाम को 8 से गुणा, ये परिणाम को 8 से गुणा बराबर अब परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। तो सोची गई संख्या क्या है, x, तो x का तिगुना क्या होता है 3x बराबर 3x। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कोष्ठक की क्रिया करते हैं, 8x माइनस 48/2 बराबर 3x, या 8x माइनस 3x बराबर 40/2 ये आता है पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर अब क्या करना है, 8x माइनस 3x, 8 में से 3 घटाना है बराबर 40/2, 40 में 2 को भाग देना है, 8x माइनस 3x बराबर 5x बराबर 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 यानी 20 पर कट जाता है। यहाँ या लगाना नहीं भूलें, या x बराबर 20/5 या x बराबर 20 में 5 का आपको भाग देना है, तो 5 एकम 5 5 को 20 4। तो वह सोची गई संख्या बताओ, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, वह सोची गई संख्या बराबर 4, वह सोची गई संख्या बराबर 4 यह आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आप इस सवाल को पढ़ोगे, पहले पढ़ना है, समझना है और मनन करना है, तब जाकर के आप
इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आता है, वो देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 2, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल कैसे करते हैं इसको, दो संख्याओं में पहली संख्या है जो दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी की 5 गुनी, तो हमें यहां माना दूसरी संख्या बराबर x मानना है, हमें क्या मानना है x, क्योंकि पहली संख्या है जो दूसरी की 5 गुनी है, तो माना दूसरी संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या दूसरी की, दूसरी संख्या की 5 गुनी, 5 गुनी, अतः पहली संख्या बराबर तो पहली संख्या हो जाएगी 5 गुनी दूसरी की 5 गुनी, 5 गुणा एक्स यानी 5x। अब क्या, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो देखिए दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर, तो हम दूसरी संख्या में 21 जोड़ते हैं तो x प्लस 21, पहली संख्या में 21 जोड़ने पर, अब हम पहली संख्या में 21 जोड़ते, पहली संख्या क्या है 5x माइनस 21 प्लस 21, दोनों में जोड़ दिया। प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, तो पहले पहली संख्या लिखो, पहली संख्या क्या है 5x प्लस 21 बराबर दूसरी की दुगुनी, तो दूसरी संख्या क्या है उसको दुगुना कर दो, 2 कोष्टक एक्स प्लस 21, यह आपका समीकरण बन जाता है। प्रश्न अनुसार पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, तो दूसरी संख्या को हमने दुगुना कर दिया। अब इसको हल करते हैं, या 5x प्लस 21 बराबर 2 से गुणा करो, पहले कोष्टक क्रिया हल करनी है, 2 गुणा एक्स 2x प्लस 21 गुणा 2 21 2 42, या अब हम करते हैं पक्षांतरण, 5x माइनस 2x बराबर 42 माइनस 21, या 5 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ आएगा 3x, 3x बराबर 42 माइनस 21 बराबर 21, या x बराबर 21 बटे 3, या x बराबर 3 से काट दीजिए 21 को, 3 एकम 3, 3 सात 21, तो वो संख्या क्या गई x, यानी पहली संख्या, अब x आया है x बराबर 7, अब हमने x क्या माना था यहाँ दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर 7, दूसरी संख्या बराबर 7, और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुणी, यानी 7 का 5 गुणा, तो पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर 7 गुणा 5, 5 7 35, ये आपका आंसर हो जाता
है। संख्या ज्ञात हो गई, दूसरी संख्या 7 और पहली संख्या 35। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आता है बेटा, देखो वो कैसे है। देखिए प्रश्न नंबर 3, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। तो हल देखिए कैसे करते हैं। हल माना इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर, दहाई अंक बराबर, अंकों का योग कितना है 9। तो 9 में से इकाई का अंक घटाते हैं, 9 माइनस एक्स, ये दहाई का अंक हो जाता है, क्योंकि अंकों का योग कितना है 9 है। तो 9 माइनस एक्स, इकाई का अंक घटाया, अब शेष दहाई का अंक रह जाता है। संख्या संख्या आपकी क्या बन जाती है, ये तो संख्या आपकी क्या बन जाएगी, इकाई और दहाई का जो अंक है दहाई वाला, उसको हमें 10 से गुणा करना पड़ता है। 10 कोष्टक 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये इकाई का अंक है, एक्स ये इकाई का अंक है, और दहाई के अंक को हम 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ आप हल करोगे तो 10 9 90 माइनस 10 गुणा एक्स 10x प्लस एक्स, इसको आगे भी हल करते हैं तो 90 माइनस 9x ये आपकी संख्या बन जाती है। अब क्या कह रहे हैं, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, यहाँ देखो अंकों का स्थान, अंकों का स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, अंकों का स्थान कैसे बदलोगा, जो इकाई है उसको दहाई मान लीजिए और दहाई का अंक है उसको इकाई मान लीजिए, ठीक है। तो संख्या मैंने क्या कहा था, जो हमने इकाई मानी थी उसको हम क्या मानेंगे, दहाई, और जिसको दहाई माना है वो क्या बन जाएगा, इकाई। तो यहाँ इकाई का अंक एक्स है तो इसको हम दहाई कर देते हैं, तो यहाँ हुआ 10 गुणा एक्स प्लस, अंकों का योगित करना है, और इकाई का अंक यहाँ क्या होगा, जो यहाँ इकाई का दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाता है, तो वो हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अब 10 गुणा एक्स 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 10x में से एक एक्स कम करोगे तो 9x प्लस 9 ये आपका हो जाता है दूसरी संख्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, जो ये प्राप्त हुई संख्या सेकंड नंबर, दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो आपको क्या करना है, इसको 9x प्रश्न के अनुसार तो प्राप्त संख्या उसमें लिखा है, इस संख्या के प्राप्त संख्या, अप्राप्त संख्या क्या है, 9x प्लस 9 बराबर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, अब दी गई संख्या कौन सी है, पहले नंबर पर दी है 90 माइनस 9x, तो यहाँ लिखोगे 90 माइनस 9x दी गई संख्या से 27 अधिक है, प्लस 27
ये आपका प्रश्नानुसार समीकरण बन जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, या नो एक्स प्लस नो एक्स बराबर 90 प्लस 27 माइनस 9, यह आता है पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर या 9x प्लस 9x 18x बराबर 90 प्लस 27, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। चाहे 90 में से 27 में 9 कम कर देते हैं, 90 में 18 जोड़ देते हैं, 118, तो यहाँ आ जाते हैं 118 या देखिए यहाँ कोई गलती हुई है, 108 आएंगे, 108 ठीक है, 90 और 18 108 आ जाते हैं। तो x बराबर 108 बटे 18, x बराबर 18 पंजो 90, 18 छिक्की 108, 6 बार, तो यहाँ x आ जाता 6। और x हमने क्या माना, इकाई का अंक, क्या माना, इकाई अंक बराबर 6, तो यहाँ देखोगा इकाई अंक बराबर 6, और दहाई अंक और दहाई अंक क्या हो जाएगा, आपको पता ही है 9 माइनस x का मान 6 है, तो 9 माइनस 6 बराबर कितने आ जाते हैं, 3। संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी, तो पहले इकाई अंक आता है, इकाई अंक क्या है 6, फिर दहाई अंक आता है, दहाई अंक क्या है 3, तो संख्या क्या हो गई 36, क्या हो जाएगी संख्या, तो वह संख्या 36 आ जाएगी। इनके अंकों का योग 6 प्लस 3 9, अंकों का योग क्या है 9 दे रखा है हमारे लिए। तो ये समस्या वाले सवाल हैं, इनको जितना पढ़ें, कम से कम जब प्रश्न आप हल करते हैं तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, उसकी तह तक आपको जाना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा है, क्या पूछना चाहता है, क्या हमको प्रश्न में क्या दे रखा है। जब आप इस बात को सोच लोगे तो निश्चित रूप से आपका सवाल तुरंत प्रभाव से हल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम इसी के प्रश्न अगले अभ्यास में लेकर आएंगे, अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।